अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज का ना व्लॉग जो मैं बना रही हूँ ना वो पैकिंग का बना रही हूँ कि हम यहाँ से क्या क्या पैकिंग करके लेके जा रहे हैं रूट की। आज हमें निकलना है 4 से 5 बजे निकलेंगे हम और 3 बज गए हैं, नहीं 2:30 बजे अभी, तो 2:30 बज गए हैं और मैं और शाकिर अब निकलेंगे 4 या 5 बजे। अभी मुझे पैकिंग करनी है, तो जो मैं मेकअप की पैकिंग करूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो जो प्रोडक्ट्स, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि इतना सारा हम लेके नहीं जा सकते। और मैंने ना पीछे, और मेरे मेहंदी तो लग गई थी, मेरी ना टिप्स पे नहीं लगी थी, तो मैं जस्ट अभी लगा के आई हूँ और वो ड्राई करके ना मैंने रिमूव कर दी थी, तो ये इसलिए रची नहीं है। और अभी बस अभी करेंगे पैकिंग की तैयारी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी सारी पैकिंग हो रही है, अभी हम कैसे करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक तो मैं कहीं पर बाहर नहीं गई, मैंने ना बाहर की शादी अभी तक के अटेंड नहीं की थी, तो ये मेरी फर्स्ट शादी है जो मैं बाहर की अटेंड कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा मैंने यहीं की शादी अटेंड किया, तो इसलिए ना जितनी भी पैकिंग वगैरह होगी ना मैं शाकिर के साथ ही कर पाऊँगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो बड़े बड़ी चीज़ें हो हैं, गाउन वगैरह, ये क्या हमें जाएगा, और ऐसे तो 2-3 बैग हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं ना सबसे पहले ना अपनी जो मेकअप की किट है ना वो रेडी कर लेती हूँ, बाकी की जो जितनी भी पैकिंग रहेगी ना वो मैं बाद में करूँगी। तो मैंने ना यहाँ पे ना मेकअप की पैकिंग के लिए ना 2 पाउच लिए, एक तो ये स्विस ब्यूटी का है और एक ये पिंक वाला मेकअप पाउच है, तो मैं इसमें दोनों में ही अपना जो मेकअप है ना वो स्टोर कर लूँगी ताकि मुझे इजी भी हो जाए और थोड़ा ना मुझे वहाँ पे भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ना ऐसा रहता है अगर मैंने एक कैरी किया ना तो कभी फिर इसमें सारा मेकअप भर के और फिर मुझे वहाँ पे ना मिले और फिर इसमें आए भी ना, तो मैं जो छोटी चीज़ होगी वो इसमें रख लूँगी, जो बड़ी चीज़ होंगी वो इसमें रख लूँगी, बाकी पैलेट्स वगैरह तो मुझे अलग से ही रखना पड़ेगा। और मैंने ज़्यादा नहीं पैलेट लिया, बस एक ही लिया है, एक या दो। तो मैं सबसे पहले ना इसमें जो फिल करने, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं अपना फेस वॉश और एक सनक्रीम रखने वाली हूँ। तो सनक्रीम है न्यूट्रीग्लो की, फेस वॉश है लॉरियल का जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये दोनों चीज़ इसमें रख लूँगी। और ये दोनों चीज़ आ गई इसमें क्योंकि ये बड़ी है ना, तो ये उसमें नहीं आएंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मास्क भी रख रही हूँ लॉरियल का, ये मास्क है, हाइड्रेट रखेगा स्किन को भी, तो क्योंकि ना मुझे ये इसलिए चाहिए कि अगर ये विंटर्स, ये समर सीज़न आ रहा है तो स्किन ना हार्श ना हो जाए, तो उसके लिए ना मैं ये यूज़ कर लूँगी मेकअप से पहले। तो मैंने एक ये वाला मास्क रखा है और यह हेलोरॉनिक एसिड में, तो मैं ये वाला ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। फोर्थ में फाउंडेशन के लिए मैं 2 फाउंडेशन ही रख रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। सबसे पहले तो ये फॉरएवर का है और सेकंड में है ये सुपरस्टे वाला, मेबलिन का सुपरस्टे वाला। जो शेड नंबर है ना वो 128 है मेबलिन का, और फ्रेंच टोस्ट है फॉरएवर का जो फेयर स्किन के लिए काफ़ी बेटर रहता है। तो ये वाले जो दोनों फाउंडेशन जाएंगे तो ये मैं रख रही हूँ अपने इसमें, ठीक है। ब्राइडल मेकअप फिक्सर है ये, तो बहुत अच्छा है ये, 24 आवर्स स्टे करता है ये। एक ये वाला रखा है मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज रखी है ना, जो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज रखी है वो उनके में ना मैंने 3 शेड रखे, तो ब्राउन है, एक ग्रे है और एक लाइट ग्रीन है, तो ये मैंने 3 शेड ना कॉन्टैक्ट लेंसेज के रखे हैं। वैसे तो मुझे 2 ही पेयर करने हैं बट मैं लेके जा रही हूँ, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गए, फिर मैंने रखा है फॉरएवर का ब्लेंडर जो मेरा फेवरेट है। तो फ्रेंड्स मेकअप के लिए मैंने रखे हैं हेड ब्रशेस, तो सबसे पहले ये वाला है, ब्रॉन्जर भी हो जाएगा और ब्लशर भी लग जाएगा। और ये वाले आई मेकअप के लिए रखे हैं मैंने, ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं ये वाले, और ये वाला आईब्रो फिलर है, ये वाला इनर कॉर्नर के लिए है, और ये वाला जो फ्लैट ब्रश है इससे फाउंडेशन अप्लाई हो जाएगा, और ये वाला फ्लैट ब्रश है, मुझे किसी भी तरह से अगर यूज़ करना हो तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ, तो इतने ब्रशेस मेरे मुझे इनफ हैं, ठीक है। तो ये वाले ब्रशेस जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आई शेडो पैलेट रखा है ना वो यहाँ पे, तो वो मैंने रखा है स्विस ब्यूटी का। मेरे पास और भी आई शेडो पैलेट है बट मैंने वो नहीं रखे, इसमें मुझे सारे शेड्स ही मिल रहे हैं, ब्राइडल के भी और न्यूड भी और ब्लैक, ब्राउन, रेड, पिंक, इसमें सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो मैं इसलिए ये वाला पैलेट रख रही हूँ। तो मैं लैशेज यूज़ नहीं करती है बट मैंने इमरजेंसी के लिए ये वाले लैशेज रखे और ये वाले ब्राइडल के लिए यूज़ होती है, तो ये वाली बहुत बेस्ट लैशेज है, ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो ये वाली एक लैशेज इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया फिल, अब इसे कर देते हैं पैक क्योंकि इसमें आ गया हमारा बहुत सारा सामान ऑलरेडी।
तो मैं इसे अच्छे से पैक कर दूंगी। ये मेरी एक किट रेडी हो गई है, अब करते हैं दूसरी किट को रेडी। तो दूसरी किट में मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ना दो टिश्यू रखे हैं, मुझे इमरजेंसी में जरूरत अगर पड़ जाती है वहां पे, तो ये मैंने दो टिश्यू रखे हैं, तो मैं इसमें ये रखूंगी सबसे पहले। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हाइलाइटर रखा है ना वो मेकअप रेवोल्यूशन का है, और मैंने यहाँ पे रखा है लूज पाउडर के ब्यूटी का, ये भी बहुत अच्छा है। जितने प्रोडक्ट्स मैं रख रही हूँ ना वो ज़्यादातर मेरे फेवरेट हैं। तो जो लिपस्टिक्स का मैंने रखी है ना, जो लिपस्टिक मैंने रखी है वो मैंने रखी है दी कॉर्ड की लिपस्टिक्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये कन्वीनियंट भी होती हैं, बहुत छोटी सी क्यूट सी हैं, और इनका स्टे भी बहुत अच्छा है। और इनका जो मैंने शेड रखा है ना वो 5 रखा है, तो एक 2 रखा है, एक 8 और एक 3, तो ये 4 शेड रखे हैं मैंने, और ये बहुत अच्छे शेड है। ये वाला है रेड, पिंक, ब्राउन और मरून, तो ये सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये छोटी मिनी किट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पैक का फिक्सर रखा है, मैंने मस्करा के लिए रखा है ना, तो लैश सेंसेशनल मस्करा रखा है मेबलिन का, और एक रखा है स्वीट ब्यूटी का, ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। ये जाएगा मिनी किट में। और फिर उसके बाद मैंने लैक्मे की एक काजल रखी है, मुझे काजल लगाना अच्छा लगता है। ग्लिटर रखा है हिलारी रोडा का, और एक ग्लिटर रखा है मैंने ये मिस क्लियर का है, तो ये दोनों मैं रख लूंगी। उसके बाद मैंने लाइनर, वैसे मैं यूज नहीं करती हूँ बट मैंने ये रख ली है, और ये कौन सी की है, ये है फॉर एवर की लाइनर आई थिंक, हाँ जी ये फॉर एवर की है, वो ये फॉर एवर की लाइनर रखी है मैंने। उसके बाद मैंने इमरजेंसी के लिए एक पॉन्ड्स बेबी क्रीम भी रख ली है, और एक स्पॉन्ज और पिन रखी है, और ये बॉब पिन रखी है, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने ये फिल हो गया, हाँ जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे पैक का ये ब्रॉन्जर है, मुझे ब्लश लगाना उतना पसंद नहीं है तो मैं ब्रॉन्जर रख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने रखा है ये है ग्लेटर, और ये बहुत अच्छा वाला ग्लेटर है, ये मिस रोज का ग्लेटर है। एक ये रखा है बस गोल्डन शेड, एक मैंने यही लिया है। और यहाँ पे ये वाली किट भी मेरी हो जाती है रेडी, और इसको भी कर देते हैं बंद। तो एक मेरा ये वाला पाउच रेडी हो गया है, और एक ये वाला आउट रेडी हो गया, तो ये दोनों मेकअप किट मेरी रेडी हो गई हैं। आई शेडो में एक ये वाली आई शेडो भी रख ली है, ये वाली आई शेडो पैलेट ये मैंने तोड़ दी। इसमें ना ये मैंने इसलिए रखी है कि इसमें ना ग्लेटर शेड है, और इसके शेड्स भी काफ़ी सारे अच्छे हैं, क्योंकि इसमें ना ये ब्लू का फैमिली नहीं है और ये ग्रीन फैमिली नहीं है, तो ये मैंने इसलिए ये वाले, एक तो ये वाला पैलेट रख लिया और एक ये वाला रख लिया, तो ये दो पैलेट जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। अब मेरी हो गई है मेकअप की पूरा मेकअप का, क्या कर रही थी मैं शूट, हाँ तो मेरी मेकअप की पैकिंग डन हो गई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कपड़ों की पैकिंग के लिए। मेकअप रखा है ना वो उतना ज़्यादा भी नहीं है और उतना कम भी नहीं है, तो इसमें ना मैं अच्छे से अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर लूँगी, और इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ मैं वहाँ पे मेकअप करने वाली हूँ। शायद ही मैं गेट रेडी विथ में भी शूट करूँ, बट अगर मुझे नहीं टाइम लगा तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, अगर आप बाहर जाते हो शादी में, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको बाहर क्या क्या लेके जाना चाहिए मेकअप में, तो ये वाली वीडियो ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं, और उनसे अच्छा मेकअप भी हो जाता है। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि एक तो समझ नहीं आता कि क्या क्या लेके जाएँ और क्या क्या लेके नहीं जाएँ, तो जिन लोगों को ना मेकअप किट भी अपनी रेडी करनी हो ना, तो वो ये वाली वीडियो देख के कर सकते हैं, ठीक। सो फ्रेंड्स, मैं ज्वेलरी में क्या क्या लेके जाने वाली हूँ, तो मैं ज्वेलरी में ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके जा रही, मेरा वाला बॉक्स देना उठा के। तो मैं जो ज्वेलरी में लेके जा रही हूँ ना, तो उतना तो लेके नहीं जा रही मैं आपको अपनी शॉपिंग में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया था। तो यहाँ पे मैं एक ये वाला नेकलेस लेके जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा वो है, ये सिल्वर कलर में है, और ये बहुत सुंदर सा चोकर सेट है, तो मैं एक ये लेके जाने वाली हूँ बस, और एक ये इमरजेंसी के लिए वो भी ये, और कुछ रिंग्स लेके जाऊंगी मैं, और पिन वगैरह जो भी थोड़ी बहुत मुझे यूज़ करनी हुई वहाँ पर। लेके जा रही हूँ ना वो ये वाला लेके जा रही हूँ, ये भी बहुत सुंदर सा है और ये बहुत प्यारा लगेगा, तो शायद ही मेरे गाउन पे चल जाएगा। अगर चल गया तो मैं यही वाला डालूंगी, और उसके मुझे जो इयर रिंग्स है ना वो भी बहुत प्यारे लगे। बाकी तो मैंने अपने चोकर भी मंगवाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने मंगवाए थे ये चोकर, और मैं जो लेके जाने वाली हूँ ना, मैं बस वही दिखाऊंगी आपको, तो मैं ये वाला लेके जाऊंगी, ये वाला।
तो ये भी, अगर ये वाला अच्छा लगा तो मैं ये वाला डाल लूंगी, और वो ब्लैक वाला अच्छा लगा तो वो वाला डालूंगी। तो मैं दोनों लेके जा रही हूँ इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा दूर जा रहा है ना, रुड़की से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये भी रख रही हूँ और वो वाला भी रख रही हूँ। और ये ना मैंने सिर्फ आपको एक दिखाया है, बट मैंने बहुत सारे मंगवाए थे, ये पूरा बॉक्स मंगवाया था मैंने, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो बहुत सारे हैं। इनका ना मैं पूरा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अगर आप लोगों को भी मंगवाना होगा ना तो मंगवा लेना, ठीक। और पर्स जो मैं कैरी करने वाली हूँ वहाँ पर, मैं पर्स बस एक ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो मैं बस पर्स ये वाला लेके जाऊँगी वहाँ पर, ठीक है। पर्स में ये रख रही हूँ मैं, और ज्वेलरी मैंने आपको दिखा दी है, पर्स ये है। शूज़ वगैरह अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन से लेके जाऊँगी कौन से नहीं, तो अभी अभी मैं शाकिर का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो जब आएंगे ना बजे का टाइम देके 4 बजे तक ना रेडी हो जाना तुम भी, और अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लेना। इतने कम टाइम में कोई रेडी हो जाता है? ये मुझे दे रही है। सो फ्रेंड्स, शाकिर को तो उतना टाइम नहीं है अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए, वो अभी भी बिजी हो रहे हैं सलोन में। तो उनकी शॉपिंग ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना जो शाकिर हम शूज़ लेने गए थे ना, तो शाकिर ने 3 शूज़ बाय किए थे। तो एक तो ये वाले हैं, और एक ये वाले हैं, और एक आज वो रेडी होके गए ना तो उन्होंने पहन लिए, वो कोट पैंट के ऊपर उन्होंने एक बूट बाय किए थे, तो वो भी आए नहीं है घर पर, वो सलोन में ही रखे हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी आगे। तो ये 4 शूज़ बाय किए थे उन्होंने ना, 3 जीन्स बाय की थी। तो सबसे पहले तो ये वाली जीन्स बाय की थी, और उन्होंने सब कुछ अपने पसंद से ही लिया था। तो एक तो ये वाली जीन्स है उनकी, और एक है ये वाली जीन्स, और एक उन्होंने पहन ली है अपनी जो आज वो पहन के गए ना सलोन, तो एक वो वाली वो रेडी होके चले गए क्योंकि उनको टाइम ना लगता। तो ये वाली जीन्स बाय की थी उन्होंने, और फिर उन्होंने वहाँ से शर्ट बाय की थी ना कलेक्शन लाइक कलेक्शन के यहाँ से। और हमने जहाँ जहाँ से कपड़े बाय किया ना, हम उनकी आईडी है उन सब की इंस्टा की, तो वो हम सब मेंशन कर देंगे, अगर आप लोगों को लाना हो तो आप लोग ला सकते हैं। एक ये वाली शर्ट थी, एक ये वाली शर्ट थी, एक ब्लैक वाली शर्ट थी, और एक टी शर्ट थी ब्लैक, या वो सिंपल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अभी डाल ली है। और एक और शर्ट है जो उन्होंने अभी डाल ली है, वो यहाँ से सुबह मॉर्निंग में रेडी होके चले गए थे ना, तो ये 5 एक टी शर्ट और 4 शर्ट बाय की थी उन्होंने, ठीक। और फिर उन्होंने जो वॉचेस और गोगल बाय किया था ना, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शाकिर की एक वॉच नहीं, ये मैं गिफ्टेड वॉच है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये गिफ्टेड है। चलो जब तक तो व्लॉग आई थिंक लाइव हो चुका होगा, तो ये मैं गिफ्ट लेके आई थी वॉच जो मुझे जीजू को देनी है, और एक वॉच शाकिर की जो शाकिर ने पहन लिया ऑलरेडी इसमें से निकाल करके, और एक शाकिर की वॉच ये वाली है जो शाकिर ले करके आए थे, ये बहुत सुंदर सी वॉच है, ठीक है। और गोगल्स, तो ना फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने 6 गोगल्स बाय किए थे, मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे पैकिंग भी करनी है कपड़ों की, तो मैं इसलिए बस आपको लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। ये वाले गोगल्स बाय किए थे शाकिर ने, और फिर उसके बाद शाकिर ने क्या बाय किया था, आई थिंक बस उन्होंने तो इतना ही बाय किया था, हाँ बस उनका शॉपिंग हो जाती है डन, और कुछ नहीं है, और सब कुछ उन्होंने सब कुछ मैंने उनका तो दिखा दिया। मैं दिखा देती हूँ अपनी शॉपिंग क्या मैंने क्या क्या ख़रीदा था मैं जब शॉपिंग के लिए गई थी, तो मेरा गाउन दिखाना। एक मैंने लिया था ये वाला लहंगा, और ये आप लोगों ने देखा ही है इसको ओपन करके, तो मैंने ये वाला लिया था, और ब्लैक वाला गाउन दिखा दो। एक तो मैंने ये वाला लहंगा लिया था, और एक मैंने गाउन लिया था ब्लैक कलर का,
तो मैंने एक ये वाला गाउन लिया था, एक सूट, सूट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सूट ये वाला था और इसे दिखा देती हूँ मैं ओपन करके, शायद ही ये वहां पे ना ये आपने देखा ना, तो मैंने ये वाला सूट लिया था और मुझे ना इसका जो वर्क है ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, जो मैं अभी डालने वाली हूँ। मैं यहाँ से ये वाला ही सूट डाल के जाऊंगी, तो ये तो मैं आपको दिखा भी दूंगी वैसे भी। तो मैंने सूट ये वाला बाय किया था, ठीक है। और मैंने क्या बाय किया था मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। और मैंने पर्स आपको लोगों को दिखा दिया, मेरा चूड़ा दिखाना, दोनों चूड़ी दिखाओ। और मैंने बाय किया था ये प्यारा सा, ये मैंने ना गाउन के लिए लिया था, तो ये प्यारा लगेगा, तो ये बाय किया था। और मैंने, और एक तो मैंने ये दिखा दिया आपको, और एक मैंने चूड़ी अपने जो गाउन के ऊपर ली थी ना, गाउन के लिए चूड़ी ली थी, वो मैंने ये ब्लैक मेटल में ली थी, मुझे सिंपल चाहिए था गाउन पे। एक तो ये वाला है और एक मैंने लिया था ये, ये मैंने लहंगे का सेट बनवाया था मैं जब मार्केट गई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा। इतनी ज्यादा झक कर रही है ना ये मुझसे, तो ये मैंने सेट बनवाया था, ये बहुत तो ये शाकिर के दो कोट हैं जो मुझे इसमें रखने हैं, ऐसे रखने हैं। ये इसमें आ गए, ठीक है, ये रख ले, तो आई में रख लिया।
हम पहुंच गए हैं नानी मम्मी के यहाँ पर, और हमें आते आते ना काफ़ी लेट हो गया था, हमें ना रात ही हो गई थी आते आते। तो यहाँ पे लग रही है मम्मी के मेहंदी। मैंने बोला था मम्मी को घर पे लगवा लो, पर मम्मी ने बोला कि कोई नहीं मैं वहीं पे ही लगवा लूँगी। तो बस मम्मी के यहाँ पे मेहंदी लग रही है, और मैं तो अपनी मेहंदी घर से लगवा के आ गई थी। मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है, मम्मी के बस मेहंदी रह गई थी, वो अब लग रही है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे हमें मिले छोटे छोटे बच्चे, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये आई थिंक खाल चांद के बच्चे हैं दोनों। और फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग ना आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।